हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ज़ेरोपिटिक प्लांट्स के अंदर एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस के लिए। जैसा कि हमारे जो पिछले वीडियोस रहे थे, वहाँ हमने मॉर्फोलॉजिकल लेवल के जो भी अडेप्टेशंस थे ज़ेरोफाइट्स में, चाहे वो रूट को लेकर के हों, चाहे वो स्टेम को लेकर के हों, चाहे वो लीफ को लेकर के हों, उन सब की हमारी बातें हुई थी। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग से ज़ेरोफाइट्स के अडेप्टेशंस के लिए जो मेन जो लॉजिक रखा है, वो इन प्लांट्स के लिए यही रहता है कि वाटर लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए ये सारे अडेप्टेशंस इनके अनुकूलन के रूप में काम करते हैं। और जो वाटर डेफिशिएंसी से इन पौधों को बचाने का मेन जो काम है, वो इन अडेप्टेशन के द्वारा किया जाता है। तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस में वो सभी अडेप्टेशंस काउंट होते हैं जो हमें पौधों में बाहर से दिखाई देते हैं, यानी कि जो बाह्य आकारिकी से जुड़े हुए अडेप्टेशंस थे वो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस में काउंट हो जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस की, यानी कि ऐसे अडेप्टेशंस जो हमें इंटरनल जो एनाटॉमी होती है, जिसे अपन हिंदी में शारीरिकी बोलते हैं, उस लेवल के होते हैं। यानी कि प्लांट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, बाहर से दिखना ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है, और इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सेल्स हो, ये सब आ जाता है। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ज़ेरोफाइट्स के अंदर एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं जो उनको अडेप्टिव फीचर्स के रूप में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑल एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस आर फोकस्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस, जितने भी अडेप्टेशंस होंगे वो सभी वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए होते हैं। और चूँकि ज़ेरोफाइट्स का जो मेन एम है सर्वाइवनेस के लिए, वो वाटर की डेफिशिएंसी के साथ में अच्छे से सर्वाइव कैसे किया जाए, यही रहता है। देन अपन बात करते हैं कि एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन कौन से अडेप्टेशंस को काउंट करना चाहिए। एक्चुअल में स्टूडेंट्स काफ़ी सारे टेक्स्ट बुक्स और अच्छी रिफरेंस बुक्स को यूज़ करते हैं, और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं अडेप्टेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो मोस्टली एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस के रूप में भी राइज होते हैं, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इनके बारे में ध्यान रखना होता है। तो हम वन बाय वन करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल इज़ द यूनिक पॉलीमर्स ऑफ क्यूटिन एंड क्यूटान। तो जो क्यूटिकल जो लेयर होती है, एक प्रकार की चिकनी जिसमें से पानी आर पार नहीं जा सकता, ऐसी इनपरमेबल हार्ड स्ट्रक्चर लाइक कवरिंग होती है, जो या तो क्यूटिन या जिसको हम क्यूटान बोलते हैं, उसका एक प्रकार का पॉलीमर होता है क्यूटिकल। ए प्रोटेक्टिव हाइड्रोफोबिक, जो हाइड्रोफोबिक यहाँ पे बोला जा रहा है, हाइड्रोफोबिक का मतलब यही है कि ये पानी को रिपेल करती है। पानी को रिपेल करने का मतलब पानी से इसका इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो जब सतह के ऊपर क्यूटिकल आ जाएगी या क्यूटिकल पाई जाती है, तो पानी इंटरनल बॉडी के अंदर या प्लांट की साइड से जो भी पानी है वो इसमें से होकर के बाहर लॉस उसका नहीं होगा। तो हाइड्रोफोबिक नेचर जो है वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्यूटिकल जो वाटर लॉस को मिनिमाइज कर पाती है। उसका पीछे का कारण यही है कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है और वैक्सिक कवरिंग्स के रूप में काम करती है, प्रोड्यूस बाई एपिडर्मल सेल्स। प्लांट की सतह के ऊपर क्यूटिकल का जो जमाव होता है या क्यूटिकल की जो परत पाई जाती है, वो एपिडर्मल सेल्स के द्वारा ये बनती है, और बनकर के बाद में ये उनसे बाहर की तरफ सीक्रेट आउट हो जाती है, स्रावित हो जाती है, और वहाँ एक परत के रूप में ये मिलेगी जो हमें हाइड्रोफोबिक भी है और प्रोटेक्टिव भी है। मोस्टली जो पत्तियाँ हैं उनमें हमें मिल जाएगा, ऐसे जो यंग शूट्स होते हैं या दूसरे जो एरियल पार्ट्स हैं उनके बाहर हमें ये जो क्यूटिकल की कवरिंग है ये देखने को मिलेगी। इसके जो मेन फीचर्स जो हम काउंट कर सकते हैं कि पौधों के लिए या ज़ेरोफाइट्स के लिए क्यूटिकल कौन से काम करती होगी, तो नंबर वन इज़ रिड्यूसेस वाटर लॉस, एंड सेकंड वन इज़
रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा हीटिंग, कि जो इसका जो प्रोटेक्टिवनेस है वो वाटर लॉस से भी बचाता है। और दूसरी साइड में अगर हम बात करें तो इसका जो शाइनी अपीरेंस है कि एक चमकदार परत के रूप में होती है, तो एक्स्ट्रा जो सनलाइट होती है उस एक्स्ट्रा सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देती है, ताकि पत्तियों को एक्स्ट्रा हीट से या यंग पार्ट्स को एक्स्ट्रा हीट से जो भी डैमेजेज हो सकते हैं वो सब नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जो जीरोफिटिक हैबिटाट होते हैं वहाँ पे दोनों ही समस्याएं होती हैं कि सनलाइट या हीटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उससे भी पौधों को बचाना होता है, और वाटर डेफिशिएंसी भी काफ़ी होती है सोइल में, तो वाटर लॉस को भी मिनिमाइज रखना होता है। तो दोनों ही मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं वो क्यूटिकल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अब क्यूटिकल के बाद में नेक्स्ट जो अंदर की लेयर आती है प्लांट्स में, दैट इज़ एपिडर्मिस, जिसको हम बाह्य त्वचा बोलते हैं। तो मोस्टली जीरोफाइट्स के अंदर जो हमें एपिडर्मिस मिलेगी दैट विल बी कॉम्पैक्ट लेयर। कॉम्पैक्ट का मतलब ये है कि वहाँ सेल से एक दूसरे के बिल्कुल सटा करके होती हैं, उनके बीच में जगह कम होती है, और ये सेल्स भी मोस्टली छोटे आकार की सेल्स होती हैं। तो काफ़ी छोटे आकार की सेल्स और वो भी बिल्कुल पास पास सट करके बहुत ही सघन परत के रूप में एपिडर्मिस का निर्माण करती हैं। हालांकि जब हम मीजोफाइट्स या दूसरे पौधों की बात करें तो वहाँ पे ये कॉम्पैक्टनेस है वो कम हो जाती है, स्मॉल सेल्स की जगह पे लार्ज सेल्स आने लग जाती हैं। तो डेजर्ट की साइड से बात करें या जीरोफाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एपिडर्मिस में भी हमें चेंजेस मिलेंगे कि वहाँ पे छोटी सेल्स होंगी और वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। इसके बाद में हमें ये जो एपिडर्मिस की सेल्स हैं वो या तो एक पंक्ति में, यूनिसीरियट का मतलब होता है ओनली एक एक लेयर के अंदर अगर एपिडर्मिस हो तो वो हम एक पंक्तिक जो कंडीशन होती है उसे अपने यूनिसीरियट बोलते हैं, या कई बार हम मल्टी सेरिएट कंडीशन के अंदर भी एपिडर्मिस को नोटिस कर सकते हैं। तो एक या एक से ज़्यादा परतें होंगी एपिडर्मिस की, जो भी परतें होंगी उनमें छोटी सेल्स होंगी और वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी, ताकि पानी का कम से कम लॉस है वो बाहर की तरफ हो पाए, यानी कि एपिडर्मिस से नीचे जो हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, या पत्तियों की बात करें तो मेसोफिल है, उसमें से वाटर लॉस कम से कम हो, इसके लिए कॉम्पैक्ट यूनिसीरियट या मल्टी सीरियट टाइटली पैक्ड स्मॉल सेल से बना हुआ एपिडर्मल जो कवरिंग है वो इनके पास होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट बॉडी की, लेकिन इसी आउटर मोस्ट कवरिंग के अंदर हम देखते हैं कि कुछ इंटरप्शंस पाए जाते हैं, और इन इंटरप्शन का नाम ही होता है स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो प्लांट बॉडी के अंदर या जो प्लांट की सरफेस होती है उस सरफेस के अंदर या एपिडर्मल जो लेयर होती है उस लेयर के अंदर इंटरप्शंस होते हैं, एक प्रकार के इंटरप्शंस। बोलने का मतलब ये है कि जो एपिडर्मिस है वो एक रेगुलर लेयर होती है, जबकि उस रेगुलरिटी में जगह जगह पे जो गैप आते हैं उन गैप्स के रूप में स्टोमेटा होते हैं, यानी कि स्टोमेटा एक अपरेटस भी है ट्रांसपायरेशन के लिए, एक प्रकार का एक सिस्टम भी होता है, लेकिन ये एपिडर्मिस को बीच बीच में से रप्चर कर देता है, इसलिए स्टोमेटा एपिडर्मिस के इंटरप्शंस के रूप में हम काउंट करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड टू लोअर साइड ऑफ लीव्स। अगर हम जीरोफाइट्स की बात करें तो जीरोफाइट्स की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में स्टोमेटा हमें उनकी नीचे की सतह के ऊपर ही मिलते हैं, क्योंकि ये ऊपर की सतह के ऊपर अगर स्टोमेटा होंगे तो एक्सेसिव वाटर लॉस होने लग जाएंगे, तो ऐसा फीचर हमें इनमें नहीं मिलेगा, इनके स्टोमेटा केवल लोअर सरफेस तक सीमित होते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक। ये डेजर्ट प्लांट्स या जुरोपिटिक प्लांट्स में हाइपोस्टोमेटिक लीव्स का पाया जाना, दिस इज ए फीचर ऑफ एनाटोमिकल अडेप्टेशन, की स्टोमेटा जो भी होंगे वो संख्या में कम भी होते हैं और लोअर सरफेस तक ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। कुछ प्लांट्स में हम देखेंगे जैसे कि नीरियम है, कैलोट्रोपिस है, इनमें स्टोमेटा जो एपिडर्मिस की सतह होती है, एपिडर्मिस का जो लेवल होता है उस लेवल से अंदर की तरफ धंसे हुए रहते हैं। तो जो धंसे हुए स्टोमेटा होंगे उन्हें हम सनकन स्टोमेटा बोलते हैं। तो सनकन स्टोमेटा का पाया जाना भी जीरोफाइट्स का एक करेक्टर्स के रूप में काउंट हो जाता है।
इसी प्रकार से अगर हम बात करें नेरियम की, कैलोट्रोपिस की, तो यहाँ पे जो स्टोमेटा होगा, उस स्टोमेटा के साइड की सेल्स से जो हेयर्स की ग्रोथ होती है, उन हेयर्स के द्वारा स्टोमेटा है वो कवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन लॉस होता है। ट्रांसपायरेशन लॉस के अंदर वाटर वेपर्स के रूप में पानी की हानि होती है, तो उसको बचाने के लिए या तो स्टोमेटा है वो गड्ढे में होंगे, सनकन होंगे, या वो हेयर्स के द्वारा कवर्ड होंगे, ताकि जो बाहर का एयर करंट है उसकी सहायता से इजीली वाटर का लॉस ना हो पाए। और कुछ प्लांट्स में हम देखते हैं कि जो गार्ड सेल्स के पास वाली जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, जिनको सब्सिडियरी सेल्स बोलती हैं, ये बड़ी हो जाती हैं और गार्ड सेल्स को ढक लेती हैं, जिससे भी वाटर लॉस है वो कम होने लग जाते हैं। तो चाहे तो हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन की बात करें, या सनकन स्टोमेटा की बात करें, या उसके ऊपर हेयर्स के कवरिंग की बात करें, या सब्सिडियरी सेल्स के द्वारा उनको कवर करने की बातें करें, ये सभी चीज़ें ट्रांसपायरेशन लॉसेस को मिनिमाइज करती हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, स्टोमेटा के अंदर रेजिन या वैक्स, इनकी वजह से प्लगिंग भी देखी जा सकती है। प्लगिंग का मतलब वो अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो स्टोमेटा होते हैं लेकिन वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर। देन हम नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें, तो रेस्ट्रिक्टेड टू फर्रो पार्ट्स ओनली इन स्टेम, कि जो जीरोफाइट्स हैं उनके स्टेम के ऊपर भी स्टोमेटा देखे जा सकते हैं। तो स्टेम के अंदर मोस्टली जो रिब्ड स्टेम, जैसा कि लैप्टाडीनिया में होता है, कैपेरिस में होता है, तो इनके रिब्ड स्टेम के अंदर अगर हम स्टोमेटा की बात करें, तो वो केवल फर्रोज वाले पार्ट में ही एग्जिस्ट करेंगे, जहाँ वाटर करंट्स हैं, सॉरी, जो एयर करंट्स हैं वो इजीली अप्रोच नहीं कर पाते, और एक वाटर वेपर सेचुरेटेड एटमोसफियर की वजह से इन फर्रों से ट्रांसपायरेशन लॉसेज हैं वो मिनिमाइज रहते हैं। तो रिजेस की बजाय फर्रोज तक स्टोमेटा का रेस्ट्रिक्ट हो जाना स्टेम वाले पार्ट्स के अंदर भी एक प्रकार का जीरोफिटिक एडेप्टेशन में काउंट होता है। इसके अलावा जो ग्रासेस हैं, उन ग्रासेस की लीव्स की एपिडर्मिल जो लेयर है, और जो बेटर टू से जो अपर एपिडर्मिस लेयर होती है, उसमें बुल्लीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स का पाया जाना भी एक प्रकार का अडप्टेशन होता है, जिसको आपने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि जैसे ही पानी की कमी होती है, तो जो बड़े आकार की बुल्लीफॉर्म सेल्स होती हैं, उनसे जैसे ही वाटर लॉस होता है, दे गेट फ्लैसिड, और फ्लैसिड होते ही पत्तियां हैं वो ऊपर की तरफ रोल हो करके गोल हो जाती हैं, ताकि एक्स्ट्रा फर्दर वाटर लॉस उनसे नहीं होता है। तो दी ज़्यादा सम अडेप्टेशन रिगार्डिंग टू स्टोमेटा, जो क्यूटिकल है सबसे बाहर, देन एपिडर्मिस की बातें आती हैं, देन स्टोमेटा भी एपिडर्मिस लेयर का ही एक पार्ट है, कि वो उसके इंट्रैप्शंस होते हैं, उनको लेकर के भी कई सारी फीचर्स हैं जो एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जीरोफाइट्स के लिए अडेप्टेशंस का काम करती हैं। एपिडर्मिस के बाद में जो नेक्स्ट लेयर आती है, दैट इज हाइपोडर्मिस, कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो परत होती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस मोस्टली हमें जो स्टेम वाले पार्ट हैं, ट्विक्स वाले पार्ट हैं, उनमें देखने को मिलेगी। तो कॉम्पैक्ट सेल्स यहाँ पे मिलेंगी, जैसे एपिडर्मिस में थी, ये स्क्लेरेंकाइमा से बनी हुई भी मिल सकती हैं, या कोलेनकाइमा से मिली हुई भी बनी हुई भी मिल सकती हैं, और या तो ये हमें एक रेगुलर परत के रूप में मिलेगा, या हमें ये पैचेस के रूप में मिलेगा। पैचेस का मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और पैचेस वाली कंडीशन हमें कहाँ मिलेगी, जब हम रिब्ड स्टेम की बात करते हैं, जहाँ पे रिजेस पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ रिजेज होंगे, उन रिजेज के नीचे हाइपोडर्मिस के रूप में हमें कोलेनकाइमा या स्क्लेरेंकाइमा है, वो कॉम्पैक्ट सेल्स के पैचेस के रूप में मिल सकती है। अगर रिब्ड स्टेम की बातें नहीं है, वैसे नॉर्मल स्टेम है, स्मूथ सरफेस वाला है, तो वहाँ पे हमें एक रेगुलर लेयर के रूप में भी स्क्लेरेंकाइमा मिल सकती है। हाँ, आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हाइपोडर्मिस के रूप में सिंगल लेयर भी हो सकती है, और ये मल्टी लेयर भी हो सकता है। हाइपोडर्मिस से नीचे जो टिश्यू मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू। तो ये स्क्लेरेंकाइमेटस भी हो सकता है, और स्मॉल साइज कॉम्पैक्ट पेरेंकाइमा से मिलकर के बना हुआ भी हो सकता है। जैसे ही हम जीरोफाइट्स की बातें करते हैं, और वहाँ पे जब भी हमें पेरेंकाइमा को काउंट करना होता है, तो पेरेंकाइमा को हमेशा ही हम स्मॉल साइज और कॉम्पैक्ट के रूप में लेंगे, क्योंकि स्मॉल साइज और कॉम्पैक्टनेस से उनसे होने वाले वाटर लॉसेस को कम कर देती है। तो स्क्लेरेंकाइमा से बना हुआ भी हो सकता है, और कॉम्पैक्ट पेरेंकाइमा से बना हुआ भी हो सकता है।
आफ्टर अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें, एक प्रकार से देखा जाए तो कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू जैसा ही होता है, तो आउटर पार्ट इसका क्लोरेनकाइमेटस हो सकता है। क्लोरेनकाइमेटस बोलने का मतलब ये है कि जब पेरेनकाइमा की सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, अगर वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसा टिश्यू पेरेनकाइमा के बजाय क्लोरेनकाइमा में कन्वर्ट हो जाता है, जो ग्रीन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। तो आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स है, वो हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्रीन भी इनमें मिल सकता है, दैट इज़ क्लोरेनकाइमेटस आउटर कॉर्टेक्स, जैसा कि हम क्लेडोड में देखा था, फिलोड में हो सकता है, फिलोक्लेड में हो सकता है, कैडुकस जो नेचर होता है कि जब पत्तियां जल्दी ही गिर जाती हैं, स्टेम की बात हो या ट्विग की बात हो, तो कॉर्टेक्स का बाहर वाला भाग ग्रीन होकर के फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है, जैसा कि हम मोस्टली जितने भी कैडुकस जीरोफाइट्स हैं, जैसे कि हम बात करें तो लैप्टाडिनिया को इसमें ले सकते हैं, कैपेरिस को इसमें ले सकते हैं, इफेड्रा को इसमें ले सकते हैं, तो दीज ऑल हैव देयर आउटर कॉर्टेक्स विथ क्लोरेनकाइमा जो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। देन नेक्स्ट वन इज़ द पार्ट फॉर लीफ की मीजोफिल की अगर हम बात करें, तो पहला तो हम बात करते हैं कि मीजोफिल होता क्या है। द पार्ट बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, की पत्तियों की अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितना भी भाग आ जाता है उसको मीजोफिल बोलते हैं, लेकिन इसमें हम वास्कुलर टिश्यू को एक्सक्लूड करते हैं कि वास्कुलर टिश्यू इसमें शामिल नहीं होता है। तो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितना भी भाग होता है पत्तियों का, उसमें से अगर हम वास्कुलर बंडल को रिमूव कर दें, तो बाकी बचे हुए भाग को हम बोलते हैं प्रणमध्योतक या मीजोफिल। जीरोफाइट्स की जो पत्तियां हैं उनमें मीजोफिल कॉम्पैक्ट मिलेगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस या तो होंगे ही नहीं या बहुत ही छोटे होंगे, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेस। पत्तियां हमें डोर्सी वेंट्रल प्रकार की मिलती हैं, डोर्सी वेंट्रल का मतलब पत्तियों का जो कलर है वो ऊपर की साइड में जो डोर्सल साइड होती है वहाँ पे गहरा होता है, और नीचे की साइड से जो वेंट्रल साइड होती है वहाँ पे पत्तियों का कलर हल्का होता है। जैसा कि हम नॉर्मल पत्तियों की बात करें, जैसे बरगद की पत्ती को देखें, तो वहाँ हमें ऊपर से वो ज़्यादा हरी दिखती है, नीचे से उसका हरापन कम होता है, तो ऐसी पत्तियाँ डोर्सी वेंट्रल कहलाती हैं। डोर्सी वेंट्रल पत्तियों में जो बात होती है कि ऐसा इनका जो नेचर है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की वजह से होता है, कि जो अपर एपिडर्मिस है उसके नीचे खम्भ ऊतक का पाया जाना या पैलिसेड का पाया जाना, और उसके लोअर एपिडर्मिस से अंदर की तरफ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा का पाया जाना, ये पत्तियों को डोर्सी वेंट्रल बना देता है। तो डोर्सी वेंट्रल प्रकार का नेचर भी एक प्रकार के जीरोपिटिक एडाप्टेशन में काउंट होता है। और यहाँ पे हम बात ये भी कर सकते हैं कि जो पैलिसेड होता है, जो खम्भ ऊतक होता है, वो मल्टी लेयर्ड और एक थिक लेयरिंग के रूप में इनमें हमें देखने को मिलेगा, तो काफ़ी कॉम्पैक्टनेस के साथ और ज़्यादा कोशिकाओं वाला और ज़्यादा परतों से बना हुआ खम्भ ऊतक है, वो भी जीरोफाइट्स के रूप में एक एनाटॉमिकल अडेप्टेशन का काम करेगा। देन अगर हम बात करें वास्कुलर सिस्टम की, तो जो वास्कुलर सिस्टम रहेगा उस वास्कुलर सिस्टम को भी हम यहाँ पे एक अडेप्टेशन के रूप में लें, तो वास्कुलर सिस्टम यहाँ पे वेल डेवलप मिलेगा, और वेल डेवलप में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि इनके अंदर जाइलम की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि वाटर डेफिशिएंसी और वाटर ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन करने के लिए जाइलम वेल डेवलप कंडीशन में देखने को मिलेगा। और जो बंडल्स होंगे, वास्कुलर बंडल्स होंगे, उनके बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग जिसे अपन पुल आच्छद बोलते हैं, पुल के बाहर का आवरण बोलते हैं, बंडल शीथ बोलते हैं, वो भी हमें देखने को मिलेगी। जैसा कि हम ग्रासेस की बात करें तो वहाँ पे हमें स्क्लेरेनकाइमेटस जो वास्कुलर बंडल शीथ है वो इनमें देखने को हमें मिलेगी। अगर हम ग्रास स्टेम की ही बात करें, तो मोनोकोट स्टेम्स जो जीरोपिटिक मोनोकोट्स हैं उनके हम देखें, और नॉर्मली मोनोकोट्स की भी बात करें, तो वहाँ पे बाहर की साइड में जो बंडल होते हैं वो छोटे होते हैं, आउटर पेरिफेरी की साइड के बंडल हैं वो बड़े होते हैं। तो जो छोटे बंडल होंगे उनके बाहर एक्स्ट्रा स्क्लेरेनकाइमेटस शीथिंग पाई जाती है, दैट इज़ अगेन एन अडेप्टेशन की बाहर के बंडल से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो पाए, ज़्यादा वाटर डिफ्यूज होकर के बाहर ना जा पाए, तो दिस कंडीशन भी इनको एनाटोमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करती है कि उनका जो वाटर लॉस है वो मिनिमाइज रहे। देन
देन हम इस पिक्चर की सहायता से कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमने फाइकस का स्टेम लिया है, जो बरगद है, बरगद के स्टेम का सेक्शन है। तो सबसे बाहर की जो परत है वहाँ पे आप एक कॉम्पैक्ट एपिडर्मिस को देख सकते हैं कि सबसे बाहर जो लेयर है जो डार्क कलर में है, दिस इज एपिडर्मिस, और उसके बाहर जो डार्क कलर से एक लाइनिंग दिख रही है दैट इज क्यूटिकल की, क्यूटिकल की परत भी है। देन उसके नीचे कॉम्पैक्ट एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस एक हल्की सी डार्क लेयर के रूप में दिख रहा है, तो वहाँ पे आप हाइपोडर्मिस को नोटिस कर सकते हैं। और जैसे ही ये वो थोड़ा सा ओल्ड होता है स्टेम, तो उसके अंदर मल्टी लेयर्ड हाइपोडर्मिस भी हमें मिल सकती है। आउटर कॉर्टेक्स, तो ये वाला भाग है आउटर कॉर्टेक्स, इस आउटर कॉर्टेक्स में भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारा स्क्लेनकाइमा है, ऐसा भाग बना हुआ है जो इसको कॉम्पैक्टनेस देता है। और इसके अंदर का भाग है ये इनर कॉर्टेक्स है, जो कंपेरेटिवली सॉफ्ट है। तो कॉम्पैक्टनेस जो एपिडर्मिस की है, उसके बाहर क्यूटिकल है, हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस का मल्टी लेयर्ड के रूप में भी पाया जाना, ये सब यहाँ से समझ सकते हैं। देन हम बात करें नीरियम लीफ की, तो दिस इज द पिक्चर फॉर नीरियम लीफ की। नीरियम लीफ का जो TS है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे बार आप नोटिस कर सकते हैं कि थिक क्यूटिकल, उसके नीचे एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस की लेयर्स हैं, पैलिसेड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ये पैलिसेड की परतें हैं, और फिर नीचे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की मात्रा कम है पैलिसेड की तुलना में। स्टोमेटा है वो चैम्बर में होते हैं, सनकन स्टोमेटा की ये जो पार्ट यहाँ पे बन गया, दिस इज द स्टोमेटल चैम्बर, और ये एपिडर्मिस का लेवल था लेकिन स्टोमेटा उससे अंदर है, स्टोमेटा यहाँ पे होते हैं, स्टोमेटा जहाँ पे मैं ये लाइन डाल रहा हूँ। तो चैम्बर की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें स्टोमेटा रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, साथ में कुछ हेयर्स भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो ये हेयर्स भी हैं, ये हेयर्स भी फर्दर वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करते हैं। एक वाटर वेपर सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर चैम्बर का बन जाएगा ताकि बाहर का जो एयर है वो इजीली ऐसे ही फ्लो होता रहता है। अगर हम बात करें तो एयर है वो ऐसे फ्लो होता रहेगा या ऐसे फ्लो होता रहेगा, लेकिन चैम्बर के अंदर एक वाटर सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर बन जाता है। दीज कंडीशंस इनकी हेल्प करती हैं कि वाटर लॉसेज को ये अपने इन फीचर्स के द्वारा मिनिमाइज करते हैं। तो हमारे पास काफ़ी पॉइंट्स आए थे, चाहे हम बात करें क्यूटिकल की, एपिडर्मिस की, हाइपोडर्मिस की, ग्राउंड टिश्यू की, कॉर्टेक्स की, वास्कुलर सिस्टम्स की, तो ये जो सारी फीचर्स थी वो सभी फीचर्स एनाटॉमिकली जो जो पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से पिन आउट करने हैं और उनको तैयार करना है कि जब भी आपका प्रॉपर आंसर राइटिंग की बात आए तो वहाँ पे आप एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग करके सारे पॉइंट्स को बिल्कुल इसी मैनर में अच्छे से बताएं, और साथ में जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स की सहायता से करेक्ट आंसर को आप डिज़ाइन कर पाएँ। तो आई होप ये वीडियो की सहायता से आप इन सभी चीज़ों को समझ पाएँ। So, okay, and thank you so much.